देखो फाइनली अटैक ऑन टाइटन का आखिरी एपिसोड देखने के बाद ना एक कहते ना दिल में एक सेटिस्फैक्शन है कि भाई 10 साल का उनका जो एनिमे था 2013 से वो ख़त्म हो गया। पर कई दफ़ा उन लोगों ने काफ़ी एक्सटेंड किया, काफ़ी चीज़ों को खींचा, लेकिन एट द एंड दे डिलीवर्ड इट, क्योंकि उसका पहला सीज़न काफ़ी पहले आया था। उसके बाद उसके दूसरे और थर्ड सीज़न और फोर्थ सीज़न को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि उसका हाइप भी नहीं था या कोई उस पर मापा ने काम शुरू ही नहीं किया था या उनका कुछ भी इंटरनल इशू था। लेकिन जो मज़ा उन्होंने दिया है ना, फैन के बीच में लोग फैन फेवरेट बन चुके हैं। मेरे लिए जो मोस्ट इमोशनल मोमेंट था ना, वो था जो आखिरी शिंजो ससागे हो जो लीवाई बोलता है, वो बोल उसे समझता है कि यही वो चीज़ थी, यही वो फाइनल डेस्टिनेशन था, यही वो लाइफ थी जिसके लिए उसके कितने ही साथियों ने सेक्रीफाइस किया, चाहे वो हांजी हो, चाहे वो साशा हो, चाहे वो एरविन हो, कितने ही लोगों ने उसको सेक्रीफाइस किया। और इतने सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद एटलीस्ट वो लोग एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं और एक क्या कहते हैं बिना टाइटन्स की लाइफ जी पा रहे हैं। पर अटैक ऑन टाइटन के एंड में हमें एक मैसेज भी दिया गया कि ये साइकिल हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा और इंसान कभी नहीं सीखेगा। भले ही इतनी मारामारी हुई पर फिर भी एट द एंड में जाके बाद में वापस वॉर्स हुई, और एट द एंड में जो तुम्हें पोस्ट क्रेडिट दिखा है ना, वो उसी का सिग्नल था कि द साइकिल विल गो ऑन, यानी कि जो हुआ है वो हमेशा होते रहेगा एक साइकिल में। इट्स जस्ट लाइक द स्नेक ईटिंग इज ओन टेल। और ये मैसेज देते हुए अटैक ऑन टाइटन ने हमसे विदा ले लिया। बाकी जिसने ये एनीमे नहीं देखा है जाके देखो, काफ़ी बढ़िया एनीमे है। थोड़ा तुम्हें बड़ा लग सकता है पर इतना बड़ा नहीं है, जनरली इतना बड़ा नहीं है वो, तुम इसे काफ़ी मिनिमम टाइम में ख़त्म करके निकाल सकते हो। बाकी तुम लोग अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताना। बाकी सैड फॉर मी कसा।